अगली खबर में बात करते हैं पशु क्रूरता को लेकर। मध्य प्रदेश में आए दिन पशु क्रूरता देखने को मिलती रहती है। विशेष तौर पर रीवा जिले में गोवंशों के साथ क्रूरता देखने सुनने को मीडिया और अन्य माध्यम से लगभग रोज ही मिलती रहती है। ऐसी ही एक घटना एक बार फिर थानागढ़ क्षेत्र में देखने को मिली है। 21 जनवरी 2023 की दरमियानी सुबह थानागढ़ क्षेत्र के रिमारी नामक ग्राम और वहीं स्थित तालाब के नजदीक एक खेत के पास दो गायों को करंट लगाकर मारे जाने का संदिग्ध मामला प्रकाश में आया है। वैसे किससे तो कुछ और बताए जा रहे हैं, जिनमें घटना से संबंधित एक ब्यौरा गायों को पीट पीट कर मारे जाने का भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आने से सभी कयास मात्र संभावनाओं तक ही सीमित है। यदि मौके वारदात को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे खेतों में लगाई गई तारबाड़ी में करंट की चपेट में आने से भी गायों की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मामला और भी स्पष्ट होगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत थानागढ़ क्षेत्र में रिमारी तालाब है और रिमारी ग्राम के पास में रिमारी तालाब वहां पर एक नज़दीक लगभग 400 से 500 मीटर क्षेत्र में एक खेत चारों तरफ से तार बाड़ी से कटीले तार से रूंधा गया है, मतलब उसका एक बाड़ी लगाया गया है और वहीं पास में एक मकान है। मकान की दीवार से सटा हुआ और उस तार बाड़ी से लगा हुआ दो गायों को कल रात में, आज की घटना है, मतलब कल रात और आज की दरमियानी घटना है, आज 21 जनवरी 2023 है और ये देखा गया है कि वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। किस्से तो बहुत हैं, किस्से बताने वालों ने ये बताया, रिपोर्ट जो दर्ज करवाई है थाने में लिखित एक आवेदन दिया है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ 7-8 लोगों ने इनको मारते हुए लाया और वहाँ पे छोड़ दिया है और वो मर गई हैं। लेकिन जिस तरह से लोकेशन वहाँ पे देखा जा रहा है तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि मारने पर तो अमूनन इस तरह से गायें या बैल मरते नहीं हैं, कहीं ना कहीं उन तारों में करंट लगाया गया रहा होगा और करंट के शॉक से वो मरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि इसकी सूचना पुलिस थाने में दे दी जा चुकी है, SDOP मनगमा श्री कृपा शंकर द्विवेदी जी को दी जा चुकी है और साथ में संबंधित जो वेटनरी सर्जन हैं श्री विवेक मिश्रा गढ़ के, उनको बता दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। तो अब इसमें देखना है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।